फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, बेसिकली मैं एक मॉल रिव्यू करने वाला हूँ। जो मेरा मॉल रिव्यू है, मैं इसमें होमवर्क में दिया था, तो इसको हम जो है आज मॉल रिव्यू करेंगे। तो आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे पता लग रहा है कि ये जो है ट्यूबलेट मॉल है, और जो भी कंपनी है मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया में किसी कंपनी का रिजल्ट शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी कंपनी के लिए बना रहा हो, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें जो है, जो आपने बना के दिया है, बेसिकली जो मेरा स्टूडेंट है, मेरे साथ ऑनलाइन है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपने स्लाइडर बनाया, ठीक है। इसमें आपने लिप्टर भी बनाया, ठीक है। तो लिप्टर में हम दिखा देते हैं एक बार आपको। तो बेसिकली लिप्टर है, ठीक है। तो ये कितना टन में बनाया? 120 के लिए बनाया, ठीक है। और यहाँ पे आपने दो टेपल लगा दिया है, ठीक है। दो और दे सकते थे यार, यहाँ पे एक दे दो, यहाँ पे एक दे दो। कितने का दिया है? इसका, ठीक है, दो और दे देते इसमें, ठीक है। और इसमें अपने स्लाइडर में अपने वो नहीं दिया, कोई लिमिट नहीं दिया अपने स्लाइडर में। एक स्लाइडर में लिमिट दो, और इसमें क्या, इसमें देखो, ठीक है, कितने ओपनिंग दिया है, ठीक है। तो इसमें जब ये स्लाइडर ऊपर चले जाएगा, ये पीछे आ जाएंगे, ठीक है, ये पीछे आ जाएंगे। हम एनिमेशन में बात करेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे आप कोई स्प्रिंग या कोई बॉल प्लंजर वगैरह तो यूज करो, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पीछे आ जाएंगे। किसी गलती से किसी ऑपरेटर ने या कोई बंदा इसको पुश कर देगा, ये आगे चला गया, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे ये नीचे आएंगे तो ये ब्लॉक तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ये। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से बॉल प्लंजर लगाना पड़ेगा। और बॉल प्लंजर क्या होती है, स्प्रिंग कैसे कैसे रोकोगे, ऑलरेडी आपको बताया, आपको ये सब चीजें लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसको मुझे आप लगा के दो, और चलो ठीक है, इसको मुझे लगा के आप दे देना। और इसमें मेरे को एक चीज और बताओ, इसकी जो स्लाइडर है उसकी मुझे एनिमेशन दिखाओ, और जो लिप्टर है मुझे एनिमेशन दिखाओ, एनिमेशन पे दिखाओ आप, ठीक है। हाँ विशाल, दे रखा हूँ, मिशुमी का यूज करो। हाँ मिशुमी का यूज कर लो, ये भी मिशुमी का यूज किया है, ठीक है, ठीक है। कितने का है स्ट्रोक, कितना दे रखा आपने? 25 का, ठीक है, देख लेता मैं भी एक बार। ठीक है, इसी स्टॉपर है, क्या काम आता है पता लग जाएगा आपको, ठीक है। स्प्रिंग कितने का लगाया आपने, कौन सी वाली? हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, मैं एक बार खुद से चेक कर लूंगा ना, ठीक है। 65 4 एम एम कंप्रेशन दे रहे हो, 70 ले लो। और इसमें आपका ठीक है, अभी यहाँ तक तो ठीक है। हाँ राहुल, ठीक है, वो भी देखूंगा मैं। अब इसकी आप जो है एनिमेशन दिखाओ मेरे को, पहले जो है मुझे आप स्लाइडर का एनिमेशन दिखाओ, फिर जो इसकी लिप्टर का एनिमेशन दिखाना। सबसे पहले मुझे स्लाइडर का एनिमेशन दिखाओ आप, मैं चेक करूंगा। चलो दिखा मुझे स्लाइडर का एनिमेशन दिखाओ पहले। चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे आपने ये बताओ, जो आपने ये मोल्ड लिया है, कितने कितने का लिया और कितने टन में बनाया ये? 410 by 410, ठीक है। और इसमें आपने जो बनाया है, कितने साइज में बनाया था इसको? 120 के लिए, 410 से कम ही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी ना मुझे अभी एनिमेशन दिखाओ आपकी, पहले स्लाइडर का एनिमेशन दिखाओ, फिर जो आपने लिप्टर लगा रखा है यहाँ पे, तो ये जो लिप्टर है ये वाली, तो इसकी मुझे एनिमेशन दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को आप स्लाइडर का एनिमेशन दिखाओ, ये वाली का दिखाओ, एक साइड का दिखा लो, अभी एक साइड का हाइट करके रखा हो ना, ठीक है, क्या दिखाओ मुझे पहले, कितने का रखे हो ये, जो ओपनिंग रखे हो कितने का ओपनिंग रखे हो? 100, ठीक है, चलो एनिमेशन हो रहा है, देखना तो मेरे को भी, ठीक है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, इसकी ना लिमिट रखो एक, जैसे ये क्या है, ये लिमिट रखो। कभी क्या होता है ना, ये जब आप इसको बनाते हो तो यहाँ पे एक लिमिट रखा करो, या लिमिट नहीं रखोगे तो क्या होगा, जितने में ओपनिंग हो रहा है इतने में लिमिट रखो, या यहाँ पे ना आपको एक वो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मान लो किसी गलती से किसी ऑपरेटर वाले ने यहाँ पे हाथ रख दिया तो क्या आगे चले जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से पिन आ जाएगी, टूट जाएगी, ये वाले ब्लॉक टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनानी है, एक लिमिट बनानी है और एक बॉल प्लंजर बनानी है। तो एक लिमिट और बॉल प्लंजर बना दो इसमें, बाकी सब ठीक है, एनिमेशन बढ़िया है, मैंने देखा आपका सही है ये,
ठीक है 20 mm के ओके है, तो ये लगभग 20 mm 18 mm तक ये मतलब इजेक्ट हो जाएगी। ठीक है बढ़िया है। अब मुझे आप इसकी लिप्तर का एनिमेशन दिखाओ। ठीक है बढ़िया है। अब इसकी मुझे लिप्तर का एनिमेशन दिखाओ। राहुल इसकी स्ट्रोक कितने लियो? रघुनाल बताओ। ठीक है 30 mm ही है ना, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ एक बार। स्प्रिंग कितना लियो? डिपेंड करता है ना ये आपका कितना होना चाहिए, स्ट्रोक के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, स्ट्रोक के हिसाब से अपन रन करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ सही 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 है 30 mm है। ठीक है अब इसकी मुझे एनिमेशन चेक करते हैं। ठीक है ठीक है, स्लाइडर का क्लियर हो गया आपको क्या चीजें है। अब लिप्तर में देखते हैं। ठीक है इसको मैं एनिमेशन करके देखो कितने का स्ट्रोक दे, मैं पार्ट को लेता हूँ, पार्ट जो है मेरा अराउंड, मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि आप सही तरीके से इसको देख पाओ। 30 mm का कर देता हूँ मैं। ठीक है वेरी गुड, एनिमेशन हो रहा है आपका, देख रहे हो रिटर्न पिन भी साथ में आ रही है इजेक्टर प्लेट के साथ। तो हम ये देखते हैं कि आपने कितने का रखा है, इतना कम है, थोड़ा सा गैप रखो यार इसमें, 0.1 0.2 का लग रहा है मेरे को, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो पॉइंट मिनिमम जो है ना 0.5 रखा करो। अब ये भी देखना है कि लिप्तर खींच रहा है कि नहीं, अभी पता लग जाएगा आपका। अगर लिप्तर खींच रहा है ना तो फिर वो चीजें सही नहीं है। 0.15, इसको 0.5 कर दो, तो स्ट्रोक जो है ना इसको बढ़ा दो, 35 का कर दो स्ट्रोक। और आप एक काम कर लो, इसको 0.5 हो जाएगा, 35 का राउंड कर दो। और ये देखना है मेरे को यहाँ पे लिप्तर खींच रहा है कि नहीं, क्योंकि पार्ट जो है स्लोप में है, अगर पार्ट स्लोप में होती है ना लिप्तर खींचने की चांस होती है, तो पार्ट को खींच देते हैं यहाँ पे। तो ये भी देखना है, यहाँ पे खींच नहीं रहे, आराम से रिलीफ हो रही है, कोई बात नहीं बढ़िया है, तो आपके लिए सही है। और यहाँ पे जो है ना 0.5 कर देना, जो स्ट्रोक है 35 कर देना, उस हिसाब से आप स्प्रिंग को भी सेंस कर देना। सारा कैलकुलेशन दे रखा हो कितने का स्प्रिंग लगाना है क्या लगाना है, फिर गलती मत करना इसमें। बाकी ठीक है आपने सही बनाया, बस इसमें क्या 0.1 कम कम है, 0.5 का रख दो। ठीक है सही है, पहली पहली टाइम में बहुत बढ़िया बना रखा हो, 3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं बना पाते ऐसे तो। ठीक है बहुत ही बढ़िया, सही बना लिया आपने। और उसमें थोड़ा सा है बाकी, देखो ये जो है ना, ये एरिया जो है लिप्तर, देखो 30 mm है ना, 30 mm इसको मूव कर, तो ये वाले एरिया को नीचे कर लो। क्यों, क्या होता है ना जब इसको लिप्तर चलाते हो, ये जो आपकी लिप्तर पिन है, जो लिप्तर बार है ना, ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये वाला एरिया 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब आप इसकी रिसर्च करते हो ना, अगर आपके पास कोर प्लेट है उसको कम करना है, कोर प्लेट में ज्यादा मेटल नहीं रहना है, क्योंकि कोर प्लेट हम ज्यादा हाई इस्तेमाल करते हैं, या कोई P20 यूज करता है, कोई निमेक्स यूज करता है, कोई एसआरटी यूज करता है, तो अलग अलग का सबका अलग अलग यूज करते हैं। अगर इसकी मेटल सेविंग करना है तो ये जो आपका जो ब्लॉक है ना, हम लॉकिंग के लिए जो यूज करा है लिप्तर को, तो इसको डाउन कर दो, 10 mm डाउन कर दो, तो इसमें डाउन हो जाएगी वो चीजें, आपकी जो लॉक होगा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। तो ये चीजें ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम में, इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अभी 75% ऊपर है, 10%, ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना, ये फिर जब पार्ट चेक करोगे ये गिर सकते हैं, टूट सकता है, तो इसको क्या करना है आपको 50% मिनिमम रखना है, तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है बाकी सही है। और बना, और जो गियर मोल्ड दिया उसका मुझे होमवर्क भेज दो। ठीक है मैं शाम को रिव्यू कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ रोहित, ठीक है रोहित बहुत बढ़िया सही बना है आप लोग ने। और इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि जो स्लाइडर है उसमें थोड़ा सा काम करना है, लिप्तर में इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, आपको देखना है। ठीक है ये छोटी छोटी चीजें है, ध्यान रखो जब भी आप किसी कंपनी, कल क्या है किसी कंपनी के लिए बनाओगे तो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होंगे, तो वो सारा चीजें आपको ध्यान रख के बनाना है। ठीक है आपको इतने में सारा डिटेल में करा रहा हूँ, हर एक चीजें में आपको एनिमेशन करके दिखा रहा हूँ, एनिमेशन भी आपको सिखा रहा हूँ, तो इस चीजें को सही करो ना, आपके पास इतना ऑप्शन है। ठीक है आजकल बहुत लोग है कोर की वीडियो निकाल लेते हैं बस कहानी खत्म, ऐसे नहीं होता, हर एक चीजें डिटेल में करवाना होता है। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही था, आई होप आपको वीडियो की कुछ चीजें आपको मिला, तो इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ, जिसको भी ट्रेनिंग लेना है नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हर हफ्ते में मैं आपके रिव्यू कराता हूँ, जो भी क्लासेस होती है जो भी होमवर्क होती है उसकी आपका मैं रिव्यू करवाता हूँ, और इस तरीके से हम देखते हैं हर सभी स्टूडेंट को साथ में लेके जो भी आपकी बैच वगैरह चलती है। तो दोस्तों इतना ही था, और जो भी क्लासेस होती है वही क्लासेस होती है, इसमें हम थोड़ा अलग तरीके से मोल करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 प्लेट मोल्ड था, 2 प्लेट मोल्ड का रिव्यू हो गई, तो इसी तरीके से हम रिव्यू करते रहते हैं, अलग अलग टाइप का मोल्ड है, जैसे 11 मोल्ड हो गई, या जैसे भी मोल्ड होगी, जो भी हम मोल्ड करवाते हैं सिलेबस वगैरह में, तो हम इसकी रिव्यू वगैरह करते रहते हैं, जो भी जितना भी अपने होमवर्क वगैरह बनाए हैं।
तो क्लास वगैरह में सारा चीजें क्या हो पाती है, यहाँ पे हर एक चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, किसी कंपनी का डाटा कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आप डिस्कस नहीं कर पाते हो या डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे, तो ये दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही था, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।